जेके विजन पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको तहसील महेंडर के अड़ी गांव से दिखा रहे हैं। महेंडर तहसील के गांव अड़ी की आवाम ने आज ज़राए अब्लाग से बात करते हुए कहा कि रमज़ानुल मुबारक के पाक महीने में भी उन्हें पीने का साफ पानी दस्तियाब नहीं है। लोगों ने कहा कि इस मुतल्लिक हमने मुतल्लिका महकमा के ज़िम्मेदारान से कई मरतबा बातचीत की, लेकिन उनकी जानिब से कोई पॉजिटिव रिस्पांस ना आने की वजह से हम पर काफ़ी परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं मोहम्मद जुरियत, सोशल वर्कर। आज हम नाड़ियाँ पंचायत में वार्ड नंबर 1 में खड़े हैं। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस रमज़ान के महीने में इन लोगों को यहाँ से लेकर अपने नीचे पोठे तक इसका टैंक का पानी जाता है, और आज बड़े दुख की बात है कि 2 महीने हो गए पानी नहीं जा रहा। टैंक देखो, खोल के बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। मैं इसलिए अपने डीसी साहब से और अपने मेंडर के एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करता हूँ, अगर मोटर ख़राब है या कोई बाल ख़राब है उसको ठीक किया जाए, ना कि इन लोगों को तंग किया जाए। देखो, ये रमज़ान का महीना है, पानी के लिए ये लोग कहाँ जाएं? अगर रमज़ान के महीने में ये हालत है तो बाकी आगे क्या हालत होगी? ये आज का मसला नहीं है इनका। जब देखो इन लोगों को, बेचारों को पानी की तंगी है, या तो इनको यही पानी चला के दिया जाए या फिर इनको हैंड पंप दिए जाएं। हैंड पंप की भी बारी आती है, वो भी इन गरीबों को, बेचारों को नहीं मिलते। मैं इसलिए अपनी मेंडर के एडमिनिस्ट्रेशन, अपने खासकर एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से और पीएचई डबल ए साहब से और पीएचई के पुंछ अपने एक्सिन साहब से ये गुजारिश करता हूँ, इसको एक छानबीन की जाए, ये पानी क्यों नहीं आ रहा है। अगर मोटर ख़राब है तो मोटर को ठीक किया जाए। अगर मोटर ख़राब नहीं है या बाल ख़राब, मैंने सुना है कि बाल ख़राब है, एक बाल कितना, इतना सा बाल है, उसको क्या ये महकमा ठीक नहीं करा सकता? मैं अगर इसी पर ख़त्म करता हूँ, अगर ये इस बात पर एक्शन नहीं हुआ तो इन लोगों का कहना है हम रोड भी ब्लॉक करेंगे। हम रोड इंशाल्लाह ब्लॉक करेंगे, तब तक नहीं रोड से उठेंगे जब तक हमारा पानी चालू नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहतरम जनाब डीसी साहब और जनाब एसडीएम साहब और जनाब तहसीलदार साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम यहाँ पंचायत नाड़े के वार्ड नंबर 1 के टैंक जो अरसा कम और बेश 40 साल से बना हुआ है, जिसकी नहायत खस्ता हाल है और इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, कम अज़ कम भी इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि रमज़ान में हम लोगों का खाना पीना रात का ही होता है, तो चश्मे से कितना पानी लाकर खुद इस्तेमाल करें या अपने मवेशियों को इस्तेमाल करें। तो इसकी तरफ खास ध्यान देकर एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें आगे पीछे जाने के लिए मजबूर मत करें, वरना आपको पता ही है कि हमारे यहां के आदमी जो हैं वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर होती है। हमारा वो शहीद अरशद अली आपको शायद याद होगा और बाकी भी साथी ऐसे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पुरअमन तौर पर इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। बेबाक सहाफत की निडर आवाज़, जेके एल विजन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए।